तो जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में यह बताया था कि अमेरिका ने रशिया पर अपना फाइनेंशियल न्यूक्लियर बॉम्ब यूज कर लिया है, मतलब कि अमेरिका और यूरोपियन देशों ने रूस को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से अलग कर दिया है, जो कि किसी भी देश के लिए फाइनेंशियल न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह होता है। और स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से किसी भी देश को बाहर करना, मतलब कि उस देश को फॉरेन पेमेंट सिस्टम से बिल्कुल अलग कर देना है। और पिछले वीडियो में हमने आपको यह भी बताया था कि अमेरिका ने फाइनेंशियल न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज करा है, तो इसके जवाब में शायद रशिया अपने रियल न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज करे, क्योंकि अमेरिका जो भी कर सकता था, मतलब कि उसके कंट्रोल में जितने बड़े से बड़े प्रतिबंध थे, उसमें सबसे बड़ा प्रतिबंध और लास्ट ऑप्शन यही था कि वह रशिया को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दे। और अमेरिका ने अपना आखिरी दाव खेल दिया, मतलब कि अब अमेरिका के पास कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जिससे कि वह रशिया को डरा सके। और अपने ऊपर आई इस मुसीबत को झेलने के लिए प्रेजेंट टाइम में रशिया से एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा है, मतलब कि प्रेजेंट टाइम में रशिया क्या करने वाला है इसका किसी को अंदाजा नहीं है, लेकिन हो सकता है अपने आप को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर करे जाने का ये जो खतरा है, इससे निपटने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स का यूज करें। आपको बता दें कि प्रेजेंट टाइम में दुनिया में अगर किसी भी कंट्री के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब है तो वही केवल और केवल रशिया है। और रशिया यूक्रेन के साथ वॉर स्टार्ट करने से पहले ही अपनी न्यूक्लियर ड्रिल को कंप्लीट कर चुका है। और जैसे ही यह खबर मार्केट में आई कि रशिया ने अपनी न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा है, वैसे ही यूनाइटेड नेशन की जो यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग कमेटी है, उसने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। अब देखिए इसके आगे क्या होता है, यह तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन अगर दुनिया में फिर से परमाणु बम का यूज करा जाता है तो इसका जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है वह प्रेजेंट टाइम में अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज होंगे, क्योंकि पहले इन्होंने यूक्रेन को उकसाया कि वह नाटो फोर्सेस को ज्वाइन कर ले, जिसके बाद यह जो विवाद है वह खड़ा हुआ था। अब आगे आने वाले टाइम में क्या होता है, यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन यह जो खबर निकल कर आई है कि रशिया ने अपने न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा है, यह अब तक की मार्केट में सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि रशिया जैसे किसी जिम्मेदार कंट्री के द्वारा अगर ऐसा कोई कदम उठाया जाता है तो वह पूरी दुनिया के लिए एक महाविश्व युद्ध का खतरा ही माना जाएगा। तो यह जो बड़ी अपडेट थी, इसके बारे में जानकारी देना आपको बहुत जरूरी था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, साथ ही हिंदी स्पेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।